सतगुरु सत्संग जीओ वडभागी हो गुरु चरणा में सज के अपने आत्मक जीवन का लाहा ले रहे हो। मनुखा जिंदगी की प्राप्ति यही है कि साड़ी परमात्मा तो टुटी हुई आत्मा परम पिता परमात्मा नाल मिल जाए। साड़ा ये इंसानी जीवन सफल हो जाए। 84 लाख जूनों चों ये उत्तम जोन मनुखा जून है। गुरु साहब जी ने सानू यही उपदेश दिते हैं, पई प्रापत मानुख दे हुरिया गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया। ये मनुखा जन्म तेनू मिलया है तो इस करके मिलया है कि तू परमात्मा दे नाल अपने आप नू लीन कर सके, क्योंकि जे असी इस जन्म नू कौडियां दे बदले गवा लिया अपनी आत्मा नू सुची करके परमात्मा विच लीन ना कीता तो फिर जम जम मरे मरे फिर जम्मे बहुत सजाए पाया देश लम्मे वाला नरक भोगांगे। असी साडे पूर्वजां ने साडे बजुर्गां ने साडे गुरु साहिबान ने बड़ी वड्डी जद्दोजहद करके शहीदियां दे के सानू ये जीवन जाच बख्शी है। गुरबाणी दरगाह की बाणी सच्चे पातशाह अकाल पुरख सच्चे वाहगुरु जी की बाणी, ये बाणी ही आत्मा की खुराक है। जे आत्मा नूं ये खुराक ना मिली तो आत्मा मर जाती है, जिवें अन्न जल तो बिना शरीर मर जाता है। शरीर की खुराक अन्न जल है, आत्मा की खुराक परमात्मा के नाम का रस है। जिन पिया सार रस तजे आन रस होए रस मगन डारे बिख खोए। पंडित सूर छत्रपत राजा भगत बराबर और ना कोए। जिन्होंने परमात्मा के नाम का रस पीता उन्होंने पहला होछे रग छोटे रस त्यागे, क्योंकि यह रस छाडे वह रस आवा वह रस पिया ये रस नहीं पावा। अल्प सुख छाट परम सुख पावा तब ए त्रिया ओ कंत कहावा। जदों असी दुनिया के होछे ते छोटे ते सस्ते रस त्याग देने उदों सानू ये महारस प्राप्त होंदा है। महारास परमात्मा की बख्शिश ना मिलता है जदों साड़ी सुरत परमात्मा के नाम का रस पीना शुरू कर देंदी उदों साड़ी आत्मा सुची हुंदी। जदों साड़ी जिन्नी देर तक साड़ी सुरत कुकड़ां दी तरह कूड़ा फरोलदी रहिंदी है विकारां नू फरोलदी रहिंदी उन्नी देर तक ये साड़ी आत्मा नू खुराक नहीं मिलती तो आत्मा मर जाती। तो मरी हुई आत्मा नू चुकी फिरदा शरीर चलती फिरदी कब्र खोदी है। तो जे ही यही आत्मा परम पिता परमात्मा दे नाम दा रस लैके इत्थे जीवन जिउंदी है तो गुरु साहब गरंटी नाल कहिंदे ने कि तेरा शरीर हरिमंदर बन जाता। हरिमंदर यह शरीर है परमात्मा दे रहन लई घर बन जाता है। जिवें कहावत है ना शेरनी दा दुध सोने दे भांडे च ही टिकदा है, इस तरह सच्चा पातशाह सुचे हिरदे च ही निवास करता है। तो हिरदे नूं सुचा करन लई जिहड़े यतन जिहड़ी मर्यादा गुरु साहब ने सानूं बख्शिश कीती है वो सानू अपना के चलना चाहिए। एज सिख असी इस जीवन नू बेशकीमत जीवन नू कौडियां दे बदले वेच के पापा दी पंड लैके इतों अकाल पुरख सच्चे वाहगुरु दे दर ते जांदे हां। उत्थे फिर दोषी बन के गुरु साहब ने बड़ा क्लीयर कीता है कि जे तुसीं ये मार्ग जिहड़ा खंडे की धार ते चलन वाला मार्ग खन्ने तिखी वालों ने कि एत मार्ग जाना जिहड़ा साडा आखरी समा वो इन्ना एकाग्रता नाल
ते सूखमता नाल निकल जाण वाला समय जिहनूं कबीर जी ने राई दे दसवें पाए कबीर मुक्त द्वारा सौंकरा राई दसवें पाए। मन तो मैगल होए रहे हो निकसियो क्यों कर जाए दाणा राई दे दसवें हिस्से दे बराबर वह रस्ता जिहदे विच दी असीं जाणा पर मन हाथी बनिया होया किवें निकलांगे। गुरु साहब फरमाउंदे ने खन्नेओ तिखी वालो निकी एत मार्ग जाणा खंडे तार गली अत पीड़ी लेखा लीजे तिल ज्यो पीड़ी। ये गली जिहड़ी खंडे तार गली अत पीड़ी जे इहदे विच्चों सफल ना होया निकल ना सकिया सफलता नाल फिर गुरु साहब कहिंदे लेखा लीजे तिल ज्यो पीड़ी। इसे मार्ग नूं इस्लाम ने कहा पुरस लात का पंथ दहेला संघ न साथी गवर अकेला। हज़रत मुहम्मद साहब अपने अन्याई नूं कहिंदे ने कि अल्लाह ताला दे दरबार च जाण लई एक सरात दा पुल आउंदा है उहदे पुल दे थल्ले दौजक दी अग है जे तूं एकाग्रता नाल बंदगी करके उहदे उत्तों दी निकलण विच कामयाब हो गया ते तैनूं अल्लाह दे दरबार विच सुंड दा रस मिलूगा ते जे कामयाब ना होया तो फिर थल्ले दौजक दी अग है उहदे विच पएगा। तो ये जिहड़े जन्म मरण दा मूल आ ये भी एक दौजक दी अग आ। तो असीं अपने आप नूं गुरु साहब जी दे हवाले करिए सिख दी सुरत ते गुरु दा शब्द जिन्नी देर तक एक नहीं होंदे सुरत दे विच शब्द गुरु दा परोता नहीं जांदा उन्नी देर तक साडी जिंदगी वकारां दे गेड़ च रहिंदी है वकारां दे ढहे चढ़ के अपना जिस तरह गुरु साहब ने फरमाया कि ये पंज वकार ये जीवन दा अमोलक अनमोलक खजाना लुटदे ने जिहड़ा इन्हां तो जितण विच इन्हां नूं जितण च सफल हो गया उही सूरमा है। जाको हर रंग लागो इस युग में सो कहियत है सूरा आत्म जिणे सगल वस्ता के जाका सतगुर पूरा। तो असी इस तरह के जीवन बतीत करके अपने गुरु की खुशी प्राप्त करिए ताही साडा इस संसार ते गुरु नानक दे पैरोकारां दे विच जन्म लैण दी साडा ये समा सफल होगा। सानू बड़ा वड्डा इतिहास मिलिया सानू ये जड़ा निज़ाम मिलिया गुरु साहब वल्लों इहदे लई बड़ी वड्डी कीमत तारनी पई। एक बहुत वड्डी सल्तनत मुगल सल्तनत ने जिन्हां ने घट्टो घट्ट 7 सदियां इत्थे राज कीता ते हिंदुस्तान दे लोकां नूं पशुआं वाली जिंदगी बतीत करन लई मजबूर कीता उस सल्तनत नूं दसम पातशाह दे खालसे ने खत्म कीता। ये धरती उही है जिथों उहदा खात्मा होया। इस तो थोड़ी दूर जिथे ढाब सी जिथे पाणी सी उत्थे बंदा सिंह बहादुर ने मुकाम कीता जदों वजीर खां नूं घेरिया उहनूं जिहड़ा अज असीं असल उहदा नां छप्पड़ झिड़ी सी इक झिड़ी जिथे छप्पड़ सी अज असीं छप्पड़ झिड़ी कह दिंदे आ छप्पड़ झिड़ी इहदा नां सी असल च। इत्थे पाणी होण करके अज भी उत्थे पाणी है इत्थे पाणी होण करके फौज इत्थे उतारी ते वजीर खां नूं इत्थे वंगारिया। जदों वजीर खां अगे आके लड़िया तो उदों बंदा सिंह बहादुर ने इस मुकाम ते उहनूं हाथी ते चढ़े नूं तीर दे नाल थले सुट्टिया जख्मी करके। इतिहास लिखता गिरे ओ वजीदा जा जख्मी होए तिसे उठाए सके ओ नहीं कोए गयो जाए सिंघन वाय ताई फतेह जंग की बंदे पाई। बंदे का डर परे हो ऐसे मिर्ग डरत केहर ते जैसे बंदे पकड़ वजीदे ताई बैलन गैल कसीट कराई। वजीर खां पापी नूं जिन्हें साहबजादियां नूं छुरियां नाल को के शहीद कीता सी शहीद करन दा हुक्म दिता सी उस वजीर खां नूं जिउंदे नूं फड़के उहदे पैरां च रस्सी पा के वैड़कियां दे मगर बन के 14 को कसीट के सरहंद च लैके गया।
फिर बंदे सिंह बहादुर ने उन्हों ये मनिया जाता कि जिहड़ा मुसलमान अग च सड़दा है वह दौजक दे विच पैंदा। फिर उन्हों दौजक की अग च पाउण लई बंदा सिंह बहादुर ने जिउंदे नूं अग च साड़िया। फिर जीवत ही अग्नि बीच साड़े वह पाए वजीदा नीच, उल्टे कर बिरछन के संगे बांध बांध मारे दुर टंगे। एक नंद सुचा नंद से ताको पकड़ो करते जाए, दे मुश्कां बंदे डिग लियाए। बंदे दब दंद को करवाई बहु मार, नाक नकेल पवाए के मंगवायो दर द्वार। बंदा सिंह बहादुर ने उस पापी का अंत किया।